गाइस, हाय, हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं आपके साथ आपकी फ्रेंड अंकिता प्रकाश और एक बार फिर से हाजिर हूं एक नई अपडेट के साथ। दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा चैनल टुडे साउथ, जहां हम कराते हैं आपका साउथ फिल्म इंडस्ट्री से डायरेक्ट कनेक्शन। फ्रेंड्स, बहुत ही नई और बहुत ही खास अपडेट के साथ मैं एक बार फिर से वापस आई हूँ। बता दूँ आपको कि जल्द ही कर सकते हैं बाहुबली स्टार प्रभास शादी। साल 2020 में बज सकती है शहनाई। साउथ के सुपरस्टार और हिंदी फिल्मों में अपने नाम का बिगुल बजा चुके बाहुबली स्टार प्रभास जल्द ही शादी के बंधन में बंध सकते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि प्रभास बॉलीवुड और साउथ फिल्मों के सबसे एलिजिबल बैचलर हैं। वहीं अगर प्रभास के फैंस की बात करें तो एक्टर की फीमेल फैन फॉलोइंग्स बहुत ही ज्यादा है। जिस तरीके से बाहुबली में प्रभास ने एक्टिंग की थी और एक से बढ़कर एक एक्शन मूव्स और जिस तरीके से उन्होंने अपने एक्शन को प्रस्तुत किया था, उसके बाद से तो उनकी लड़कियां दीवानी हो चुकी हैं। वहीं आपको बता दें कि एक बहुत ही बड़ी खबर सामने आ रही है और खबर कुछ ऐसी है जो कि प्रभास की फीमेल फैंस का दिल तक दुखा सकती है। लेकिन सामने आ रही रिपोर्ट्स की माने तो एक्टर साल 2020 में ही शादी के बंधन में बंध सकते हैं। बताते चले कि इसकी जानकारी किसी और ने नहीं बल्कि परिवार के ही करीबी रिश्तेदार ने हमें दी है। खबरों की माने तो एक्टर की आंटी श्यामला देवी ने ही इस बारे में जानकारी दी है। बता दें कि प्रभास की आंटी श्यामला देवी ने कहा कि वो साल 2020 में अपनी फिल्म जान की रिलीज के बाद शादी कर लेंगे। आगे उन्होंने कहा कि हम प्रभास की शादी के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं। ये भी बताया कि हम लगातार उनकी शादी और उनकी होने वाले दुल्हन के बारे में खूब मस्ती मजाक करते रहते हैं। उन्होंने आगे कहा कि हमारा एक बहुत ही बड़ा परिवार है और हम एक सही लड़की की तलाश में हैं जो हमारे परिवार में घुल मिल जाए और हम सभी को एक साथ बांध कर रखे। लेकिन आंटी ने उनकी होने वाले दुल्हन के बारे में कोई जानकारी हमें नहीं दी। हालांकि प्रभास और बाहुबली में उनके लीड स्टार अनुष्का शेट्टी के बीच अफेयर्स की खबरें अक्सर सुर्खियों में बनी रहती है, लेकिन दोनों ही कलाकार इन सभी खबरों पर अक्सर फुल स्टॉप और क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। लेकिन बावजूद इसके इन दोनों के अफेयर्स की खबरें रुकने का नाम नहीं लेती। तो ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि क्या वाकई दोनों एक दूसरे के साथ शादी करेंगे। खैर, ये तो आने वाले दिनों में ही पता चलेगा कि आखिर प्रभास की दुल्हनिया आखिर कौन बनेगी। जी हाँ, लेकिन इससे पहले एक्टर ने जरूर अपनी शादी की खबर पर मीडिया को दो टुक जवाब दे दिया था। एक्टर प्रभास ने कहा था कि ये उनकी निजी मामला है और वो इस बारे में बात नहीं करना चाहते। लेकिन क्या आप प्रभास की शादी को लेकर एक्साइटेड है? क्या इस खबर को जानकर आपको कैसा लगा? क्या आपका भी दिल टूटा? हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताना। Todays.com पर भी आप हमारे न्यूज़ को देख सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि ऐसे ही नए नए अपडेट्स हम आप सभी को प्रोवाइड कराते रहें। Till then, bye-bye, take care, keep watching Today's South for the next update.